नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरणजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फन महाचक्रवाती तूफान प्रभावित इलाकों लिए पछम बंगाल को 1000 करोड़ और उड़ीसा 500 करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान किया। पाकिस्तान के कराची नेड़े हादसाग्रस्त हुए जहाज़ में 82 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाज़ हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों प्रति डूंघी हमदर्दी से दुख प्रकट किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने समुदायक रेडियो स्टेशनों को फेक न्यूज़ के खतरे से सिज्जण लई मदद की अपील की। भारत में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 1,18,000 तो पार हुई। पिछले 24 घंटे दौरान 3,334 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना मरीजों के सेहतयाब होने की दर 41% तक पहुंची। वंदे भारत मिशन तहत मलेशिया ते कैनेडा में फंसे 295 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया दीयां 2 विशेष उड़ाना अमृतसर के श्री गुरु रामदास कौमांतरी हवाई अड्डे ते पहुंचियां। मुसाफरां ने अपने वतन पुज्जण ते केंद्र सरकार का किया धन्यवाद। अमरीका में फंसे 100 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष जहाज़ चंडीगढ़ हवाई अड्डे पहुंचा। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाचक्रवाती तूफान अम्फन नाल प्रभावित पछम बंगाल सूबे लिए 1000 करोड़ रुपए की अगाऊ अंतरिम सहायता देने का ऐलान किया है। पछम बंगाल के दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी नाल विनाशकारी चक्रवाती तूफान कारण पैदा हुई स्थिति की समीक्षा करने लिए उत्तरी 24 परगना जिले के बशीरहाट में समीक्षा मीटिंग की। चक्रवाती तूफान नाल प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस मगरों जारी किए गए एक वीडियो मैसेज में प्रधानमंत्री ने पछम बंगाल लिए केंद्रीय राहत का ऐलान किया। उन्होंने वालों चक्रवाती तूफान अम्फन कारण मची तबाही में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान भी किया गया। अम्फन चक्रवाती तूफान कारण हुण तक पछम बंगाल में घट्टो घट 77 व्यक्तियों के मारे जाने की खबर है। जानी नुकसान तो इलावा सूबे के उत्तर और दक्षण परगना जिलों पूर्बी और पछमी मिदनापुर कोलकाता हावड़ा ते हुगली जिले में सरकारी अते निजी जायदाद अते मूल ढांचे नूं वड्डे पद्धर ते नुकसान होया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसीबत दी इस औखी घड़ी में सारा देश अते केंद्र पछम बंगाल के लोगों नाल खड़ा है। काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। पश्चिम बंगाल तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्फन चक्रवात नाल प्रभावित खोर सूबे उड़ीसा के दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचे। उन्होंने सूबे के राज्यपाल और मुख्यमंत्री नाल मीटिंग दौरान अम्फन चक्रवाती तूफान कारण पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने तूफान नाल प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाज़ हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों प्रति डूंघी हमदर्दी से दुख प्रकट किया है। उन्होंने इस हादसे में जख्मी हुए मुसाफरों के भी जल्दी सेहतयाब होने की कामना की है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का 107 मुसाफरों को लाहौर तो कराची ले जा रहा जहाज़ कल कराची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नेड़े संघनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में हादसाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 82 लोगों के मारे जाने की खबर है। स्थानिक सूत्रों तो मिली जानकारी मुताबक कराची के जिन्ना कौमांतरी हवाई अड्डे से उतरन तो पहला जहाज़ में हुई तकनीकी खराबी आ जाने कारण यह हादसा होया। सूत्रों ने दसिया कि जहाज़ के कैप्टन वालों हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक टावर को तकनीकी खराबी की सूचना दी गई सी, जिस मगरों यह जहाज़ कराची के मलीर इलाके घर छत्तां उपर जा डिग्गिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इस जहाज़ हादसे में मुसाफरों के मारे जाने पर दुख प्रकट किया। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी दुर्घटना में मारे जाने वाले लोगों प्रति डूंघी हमदर्दी से दुख प्रकट करदिया कहा है कि इस दुर्घटना के फौरी तौर पर जांच के हुक्म दे दिए गए हैं।
सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार समुदायक रेडियो स्टेशन ते विज्ञापन का समा 7 मिनट प्रति घंटे तो वधा के 12 मिनट प्रति घंटा करना चाहती है ता जो इन्हां रेडियो स्टेशनों नूं भी टैलीविजन चैनलों के बराबर लिया जा सके। आकाशवाणी समाचार राही समुदायक रेडियो स्टेशन के स्रोतियों को संबोधन करद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि समुदायक रेडियो अपने आप में एक समुदाय इस नाल बड़ा वड्डा बदला आ सकता है। उन्होंने कहा कि सूचना ते प्रसारण मंत्रालय समुदायक रेडियो स्टेशनों की गिनती वधाउण की योजना बनाएगा। उन्होंने कहा कि समुदायक रेडियो स्टेशन स्थापित करन ते आने वाले खर्चे का 75% मंत्रालय सहन करेगा। समुदायक रेडियो स्टेशनों तो खबरों के प्रसारण की मंग का जिक्र करते हुए सूचना ते प्रसारण मंत्री ने कहा कि इस बारे भी विचार किया जाएगा। उन्होंने समुदायक रेडियो स्टेशनों को अपील की कि वह स्थानिक स्रोतों तो मिली सूचनावां वरत के फेक न्यूज़ के खतरे नाल सज्जन विच मदद करन। उन्होंने दस्सिया कि मंत्रालय अधीन पत्र सूचना दफ्तर के तहत तत्थों की जांच करने लई एक फैक्ट चैक सैल बनाया है ते समुदायक रेडियो इस सैल की सहायता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ बहुत खतरनाक हुंदी है ते इस ते पाबंदी का मतलब प्रेस की आज़ादी ते हमला नहीं मन्या जाना चाहिए। भारत में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 1,18,000 तो पार हो गई है। नवी दिल्ली में केंद्रीय सेहत मंत्रालय के बुलारे लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दसाया कि भावें कोविड-19 की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती लगातार वाधा हो रहा है पर कोरोना मरीजों के सेहतयाब होने की दर में लगातार सुधार देखा जा रहा है। इस महामारी तो ठीक होने की दर हूँ 41% तक पहुँच गई है। उन्होंने दसाया कि पिछले 24 घंटे दौरान देश में 3,234 कोरोना मरीज सेहतयाब होए। लग अग्रवाल ने दसाया कि देश में कोरोना वायरस कारण मौत दर में भी कमी दर्ज की गई है। यह दर 19 मई में 3.13% सी जबकि हुण मौत दर 3.02% ते आ गई है। इसका कारण इस महामारी नूं रोकण लई चुके गए कदम अते कोरोना केसां दे डॉक्टरी प्रबंध ने। हमारा फोकस उन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट पर है जहां पर ये ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हम स्टेट्स के साथ मिलकर वहां पर कंटेनमेंट और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस पर फोकस कर रहे हैं। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेते हुए इस इंफेक्शियस डिजीज से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान नीति आयोग के मैंबर वीके पाल ने कहा कि भारत में लगे लॉकडाउन कारण असी बहुत जिंदगियों को बचाने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने दसाया कि कोविड महामारी कुछ खेत्रों तक सीमित रही। कोरोना वायरस के 70% मामले 10 शहरों तक सीमित ने। नीति आयोग के मैंबर ने दसाया कि छेती लॉकडाउन लगाने कारण भारत 14 से 29 लाख तक कोविड-19 के केसों को टालन में कामयाब रहा है। लॉकडाउन कारण 37,000 से 78,000 तक जिंदगियां बचाई जा सकियां। सोच के लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इस पॉइंट पर लिया जो अर्ली था, टाइमली था, बहुत हालात खराब होने से पहले लिया गया। बहुत सारे देशों ने ये फैसले लिए, लगभग सारे ही देशों ने लिए, एक तरह से कहा जा सकता है जब ये फैली है एपिडेमिक, लेकिन बहुतों ने लेट लिया, देर से लिया और उसका अलग तरह का नुकसान उन्हें झेलना पड़ा। लेकिन हमारे देश ने ये फैसला टाइमली तरीके से लिया। पंजाब विच कोरोना के प्रकोप तो कुछ राहत मिली है। बीती देर रात तक सूबे विच सिर्फ एक ही मामला सामने आया है ते 3 जिले कोरोना मुक्त हो गए ने। जिते हुण कोई भी एक्टिव केस नहीं है। सेहत विभाग अनुसार SS नगर, संगरूर, मोगा ते फिरोजपुर जिले कोरोना मुक्त हो गए ने। पंजाब विच हुण तक कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 2,029 तक पहुँच गई है जबकि सूबे विच एक्टिव मरीजों की संख्या 143 है। सेहत महकमे मुताबक हुण तक 1,847 मरीज़ सेहतयाब हो चुके ने। पंजाब विच पिछले कुछ दिनों तो कोरोना वायरस के फैलन की दर घटी है। इस नाल ही वड्डी गिणती विच मरीज़ सेहतयाब होकर घरी परते ने। सूबे विच कोरोना वायरस नाल हुण तक 39 मौतां होईयां ने। अमृतसर जिले में सब तो वध 312 कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीज़ मिले ने पर कोरोना ने एक्टिव मरीजों की सिर्फ 12 है ते 295 कोरोना मरीजों नूं सेहतयाब होने मगरों घरी भेजा गया है। जलंधर विच भी कोरोना वायरस की पुष्टि वाले कुल 210 मरीज़ मिले जिन्हां विचों 180 नूं सेहतयाब होने मगरों छुट्टी दी गई ते जिले विच कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की गिनती 24 है। लुधियाना जिले विच हुण तक 172 व्यक्तियों विच कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है जिन्हां विचों 117 सेहतयाब होकर घरी परते ने ते जिले विच कोरोना के एक्टिव मामलों की गिनती 48 है। वंदे भारत मिशन तहत अमरीका विच फसे 100 भारतीयों नूं लै के एयर इंडिया जहाज़ कल दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ हवाई अड्डे ते उतरिया।
इन यात्रियों पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ तो अलावा हिमाचल प्रदेश नाल संबंधित यात्री भी शामिल सन। इत्थे पहुंचे सारे यात्रियों विच कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं पाए गए। हवाई अड्डे ते उन्हां दा तापमान चैक करन तों अलावा उन्हां दे हाथ सैनेटाइज़ भी किए गए। बाद विच इन्हां मुसाफरां नूं एकांतवास केंद्रां विच भेज दिता गया। चंडीगढ़ हवाई अड्डे ते उतरन समय इन्हां मुसाफरां ने उन्हां नूं वतन वापस लिआउण लई केंद्र सरकार दा धन्नवाद किया। बस बहुत शुक्रगुजार हाँ भी गोरमेंट ने जिन्हें साढ़े बारे सोचा हूँ असी असी अपना कॉम्प्रोमाइज करके असी क्वारंटाइन करा तो इन्होंने बारे शुक्रगुजार हाँ मोदी जी ने जिन्हें साढ़े बारे सोचा साड़ी फैमिली बारे सोचा जो उन्होंने साढ़े वास्ते किया असी भी अपनी कोशिश करा असी अपने अपने देश में खराब ना हो जाए तो असी इन्हें गल से चल के असी उन्होंने भारत की बहुत तारीफ होंगी कि इन्होंने कंट्री 0% कोरोना लॉकडाउन। हाँ जी जो लॉकडाउन लॉकडाउन करके ये लोग एक चीज़ मनते हैं बाहर कोई चीज़ की मनता नहीं पर पंजाब के बंदे अपने हिंदुस्तान के बंदे बहुत सियाने एक गल मनते हैं साढ़े अपना जो मोदी जी अपना रब मनते हैं जो चीज़ कहते हैं तो इन्होंने गल विश्वास कर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के सीईओ अजय कुमार ने दसिया कि 30 मई को यूक्रेन में फसे भारतीयों को लेकर विशेष उड़ान चंडीगढ़ हवाई अड्डे से उतरेगी। उन्होंने दसिया कि वंदे भारत मिशन तहत हवाई अड्डे से पहुंचने वाली सारी उड़ाना लई कोविड-19 प्रोटोकॉल तहत सारे इंतजाम किए गए ने। जो ये स्पेशल फ्लाइट जो चल रही है जिसमें हम अपने जो हमारे बाहर जो फंसे हुए थे उनको एयर इंडिया के थ्रू ला रहे हैं तो आज फ्लाइट के लिए सारे इंतज़ाम एकदम रेडी है। सारी एजेंसीज इंटरनल एक्सटर्नल जिसमें पंजाब पुलिस है, हमारा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, कस्टम्स डिपार्टमेंट है, CASF है, हमारे इंटरनल सफाई के स्टेक होल्डर्स हैं जो कोरोना वॉरियर्स जिन्हें कह सकते हैं। लॉकडाउन कारण विश्व के वख-वख मुल्कां विच फसे भारतीयों नूं वतन वापस लियाउण दे मकसद नाल शुरू किए गए वंदे भारत मिशन तहत मलेशिया ते कैनेडा तों वख-वख उड़ाणा राहीं 295 पंजाबी वतन परते। एयर इंडिया की पहली विशेष उड़ान अज तड़के 3 बजे श्री गुरु रामदास कौमांतरी हवाई अड्डे ते पहुंची जिस विच सवार अमृतसर नाल संबंधित 40 लोगों समेत 95 पंजाबी ते अपने गृह सूबे परते। ये लोग ने जो पिछले समय दौरान मलेशिया में रेंदे रिश्तेदारों को मिलने या काम करने उत्थे गए सन पर कोविड-19 कारण लगे लॉकडाउन करके उत्थे रुकने मजबूर हो गए। अमृतसर हवाई अड्डे पहुंचने ते सेहत विभाग वालों इन्हां सारयां दी डॉक्टरी जांच उपरंत इन्हां एकांतवास केंद्रां विच भेज दिता गया। कुछ लोगों नूं उन्हां दी इच्छा अनुसार होटलों में भेजा गया जिथे एकांतवास लई ओह होटल का खर्चा खुद सहन करनगे। सवेरे 8 बजे कैनेडा के वैनकूवर तो भी उत्थे फसे 200 भारतीय नूं लैके एयर इंडिया की विशेष उड़ान अमृतसर पुजी। इन्हां विच ज़्यादातर पंजाबी सन। इन्हां मुसाफरां नूं भी मुढ़ली जांच तो बाद वख-वख एकांतवास केंद्रां विच भेज दिता गया जिथे इन्हां दे करोना सैंपल लए जाणगे। जेकर इन्हां दीआं रिपोर्टां नैगेटिव आउंदियां ने तां इन्हां नूं उन्हां दे घरां विच एकांतवास लई भेज दिता जाएगा। अज सवेरे पहुंचे सारे यात्री अपने वतन परत के काफ़ी खुश नज़र आए और उन्हां भारत सरकार का धन्नवाद किया। मेरे ब्रदर ने लागू वैसे ही उस तो बाद लॉकडाउन का पीरियड पै गया बेचारे फस गए थे। सारे सर बड़ा महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही सर खुद आप भी बड़े खुश थे तो काफ़ी देर रही नेचर के कैब तो सारी वापस आए। हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं जी, वो बिल्कुल ठीक ने। क्वारंटाइन के जोड़ा जो रूल है वो हिसाब से करना पड़ेगा, फॉलो करेंगे जी। उन्होंने वहाँ काउंसलर जो है ना वैंकूवर का, उन्होंने कहा था कि आप जो है ना जो जाना चाहते हैं अपना अप्लाई कर दो। तो उन्होंने अप्लाई किया था, दो दिन पहले ही पता लगा हमें कि भी उनका नंबर आ गया फ्लाइट के अंदर। एयर इंडिया की फ़्लाइट है, पैसे तो जो काम मतलब 45-40 हज़ार का था वो 2-2 लाख रुपए में हुआ है काम। तो क्वारंटाइन का जैसे भी सरकार की जो पॉलिसी है उसके साथ ही है। हम भी होटल बुक कराया था वहाँ पे, होटल करा रखा है बुक। नहीं उन्होंने ऑप्शन दी थी कि आपने अगर मान लो होटल में करना है तो होटल में कर लो, सरकारी जो है स्कूल वगैरह में कर रखा है उन्होंने वैसे, तो होटल में थोड़ी सुविधाएँ अच्छी होती हैं इस करके वहाँ करा लिया। अंतरराष्ट्रीय जैविक विभिन्नता दिवस मौके कल पुष्पा गुजराल साइंस सिटी वालों जैविक विभिन्नता और कुदरत की महत्ता बारे जागरूकता लिए एक वैबनर का आयोजन किया गया। इस वैबनर का मुख्य विषय कुदरत में साड़िया समस्यावां दे हल सी। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी की डायरैक्टर जनरल डॉक्टर नीलिमा जैरत ने कहा कि जैविक विभिन्नता का विश्व सरमाए में बहुत महत्व है क्योंकि इस वातावरण के तंत्र में सिर्फ स्थिरता से खुराक सुरक्षा यकीनी नहीं बनती सगों व्यापार से वंड से भी पिछले समय दौरान इस सदका प्रभाव पिया है। उन्होंने कहा कि मनुख दी गलतियां कारण जीव अते पेड़ पौद्यां दी तबाही हुई अते
कई प्रजातियों का नुकसान हुआ। डॉक्टर नीलिमा जैरथ ने कहा कि अज कोविड महामारी के इस दौर में मनुख लिए कुदरत प्रति लगा की महत्ता होर भी ज़्यादा महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि जैव विभिन्नता कोविड 19 विरुद्ध साड़ी जंग में एक वधिया साधन हो सकता है। पंजाब सरकार के साइंस टैक्नोलॉजी और वातावरण विभाग के प्रिंसीपल सकत्र आलोक शेखर ने अपने विशेष सुनेहे में कहा कि जैविक विभिन्नता कायम रखी जाए तो असी कोविड 19 वर्गी महामारी का टाकरा प्रभावशाली ढंग कर सकेंगे। केंद्र सरकार के वातावरण जंगलात और पौन पानी तब्दीली विभाग के संयुक्त सकत्र सुरजीत कुमार बैनर्जी ने कहा कि जैविक विभिन्नता की सामभ ही विश्व पद्धत से मनुखता को दरपेश कई तरह दंगारा का जवाब है। उन्होंने कहा कि भावें तैक्नोलॉजी का बहुत प्रसार हो पर अज के समय में सूँ अपन रोज़ाना दरूरत जिमें कि भोजन दवाइया रोजी रोटी आदि वाले पास वाल जैविक विभिन्नता की महत्ता पहचान की लड़ है। वैबीनार विभागों के नुमाइंद माहर ने शिरकत की जैव विभिन्नता की महत्ता से चानना पाया। इस खबर का यह बुलेटिन खत्म होंगे। इजाजत दौ। धन्यवाद।